Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. शादियों का सीजन और उसके साथ साथ हमें चाहिए एक प्रेजेंटेबल लुक एंड इन सब के साथ आती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे जो बेली है हमारे जो टमी है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वो ब्लोट हो जाता है, शक्ल एकदम सूजी हुई नज़र आती है, हम बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल फील नहीं करते तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना शादी के लिए या फेस्टिव सीजन के लिए कोई ड्रेस लिया है, कोई आउटफिट लिया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते 1 लाख स्पेंड कर देते हैं, कुछ लोग होते 20,000 स्पेंड कर लेते हैं। वहीं पर मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ मेम्बर्स हैं जो हार्डली 5 से 2.5 हज़ार रुपये की ड्रेस में बिल्कुल पतले होकर वो 1.5 लाख वाली ड्रेस के कंपेरिजन वाली लेडीज से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है 1.5 लाख वाली बंदी जो इतना महंगा आउटफिट पहन के खड़ी है ये मोटी दिख रही है, और यहाँ पे 2,500 वाली बंदी जिन्होंने सिर्फ 2,500 रुपए का एक अनारकली पहना हुआ है बट उनकी फिगर बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड है, ये बहुत अच्छी दिख रही है। सो यहाँ पे डिफरेंस आता है प्रेजेंटेबल एंड दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस अपने आप को कैरी करने का। सो कैरी करने का जो कॉन्फिडेंस हमारे पास निकल के आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ अच्छी फिगर से। अगर आपके पास अच्छी फिगर, आपके ग्लोइंग स्किन, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपका बेली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडियन आउटफिट में दिखता है, वो फ्लैट है, आप चकते फटे कर सकते हो कुछ भी, अपने आप में यू नो दिखा सकते हो, बन के आगे चल सकते हो। सो सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे कि आज की वीडियो में मैं बात करूँगी top 5 food जो कि मैंने भी अपनी डाइट में ऐड करे हैं फॉर फ्लैट बेली। नाउ बेली को कम करने के लिए, टमी को फ्लैट करने के लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपके बाउल मूवमेंट अच्छे से क्लियर है, अगर आपका वाटर रिटेंशन नहीं है, आप बिल्कुल लीन दिखोगे, आपका टमी बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। परंतु अगर आपने गुस्सा ज़्यादा कर दिया, आपको स्ट्रेस हो गया, आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, आपका वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले भी अगर आपका बहुत ही नॉर्मल आप दिख रहे हो, अगले दिन यू बिकम लाइक अ गुब्बारा, बलून की तरह। सो top 5 food के ऊपर हम आज बात करेंगे जो कि आपको देगा फ्लैट बेली विद इन अ वीक के टाइम के अंदर, और आपको बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। एंड इफ यू ट्राई योर दिस लहंगा और सम आउटफिट जो कि आपको पहले से फिट नहीं आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेली फैट, वो बिल्कुल निकल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से फिट आएगा। सो बात करते हैं सुपर फूड का top 1 विच इज़ लाइक ग्लूटेन फ्री ओट्स। नाउ ग्लूटेन फ्री ओट्स जो है वो मैं डाइट में ऐड कर रही हूँ बहुत ही टाइम से, बहुत लंबे समय से मैं अपनी डाइट में ऐड कर रही हूँ, मैं अपने बहुत सारे लोगों को खिलाती हूँ जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ ग्लूटेन फ्री जो ओट्स होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है, बहुत ही अच्छे उसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, एंड सबसे अच्छी बात है ये कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंड आपको जिन जिन लोगों को ग्लूटेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ ग्लूटेन फ्री तो हमने ओट्स पकड़ लिया, अब इसका बनाना क्या है? आप इसके पैनकेक बना सकते हो, आप इसकी रोटी बना सकते हो जिसके आप अंदर आप वेराइटीज़ के बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि सब्जियाँ आ रही है मार्केट में, आप साग ऐड कर सकते हो, सरसों का रोटी बनाते हो, पालक ऐड कर सकते हो, बथुआ ऐड कर सकते हो, अनियन ऐड कर सकते हो, मूली ऐड कर सकते हो, इसकी रोटी बनाकर हम खाएंगे 1 से 2 रोटी। नहीं तो ओवरनाइट सोक्ड ओट्स भी ले सकते हो कोकोनट मिल्क के अंदर, मैंने आज सुबह ही खाया है और ये रहा। एंड थर्ड इज़ आपको ओट्स के साथ आप स्मूदीज बना के ले सकते हो, एंड नंबर फोर्थ इज़ ओट्स का चीला बना के भी आप ले सकते हो। ओट्स के चीले की रेसिपी मेरे चैनल पे है। अगर आप ग्लूटेन फ्री ओट्स नहीं ले पा रहे, आपको लगता है कि मैं ग्लूटेन फ्री ओट्स कहाँ से लेके आऊँ, बहुत महंगे मिल रहे हैं, देन आप नॉर्मल ओट्स पे आइए। बट ओट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको बेली फ्लैट चाहिए उसके लिए आपको ओट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब पता है आपको ओट्स जो है वो एक हेल्दीएस्ट ग्रेन माना जाता है धरती के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्ब्स को लेने का एंड फाइबर को लेने का। बहुत सारे हम फ्रूट्स खा लेते हैं, वेजिटेबल्स खा लेते हैं, बट अगर हम ओट्स जैसा फाइबर सोर्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन होने के नाम मात्र चांसेस होते हैं। सो सेकंड चीज़ पे अब हम बात करते हैं वेजिटेबल जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल जूसेस। मैंने अपनी डाइट में बहुत लंबे समय से ग्रीन वेजिटेबल जूसेस ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी मेरे रोके के बाद, बहुत ज़्यादा मैंने आउटिंग की है, बाहर का खाया है, बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो गलत आया है इस बार मेरी बॉडी पे, मैं पिछले 5 से 4 साल से देख रही हूँ मेरा टमी पे आया है, एज मेरे बेली पे कभी भी फैट नहीं आता था, तो बेली पे मेरा इतना गलत फैट आया क्योंकि मैं वो चीज़ें खा रही थी जो मैंने कभी खाई नहीं है अपने वेट लॉस जर्नी के बाद। सो इतना बुरी तरीके से मेरा बेली फूला, स्वेलिंग आई, मैं बड़ी इरिटेट होती थी, देन आई एडेड दिस ग्रीन जूसेस इन माय डाइट अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहली चीज़। अब ग्रीन जूसेस के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिसके अंदर आपको लगेगा मैं कैसे लूँगी। नाउ ग्रीन जूसेस के अंदर मैंने ऐड किया था करेला,
पालक, आंवला, ये रे आंवले, इसका मैं अभी अचार बना के रील डालूंगी अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आ जाना इसके अचार के लिए। बहुत अच्छा सोर्स है इस समय बालों के लिए, आपके बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, आपके विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। और ग्रीन जूसेस पीते ही ना आपके इंटेस्टाइन में एक नेचुरल इस तरीके का एक सेटअप जाता है कि आपको पूरा टमी शांत हो जाता है और सारे बाल मूवमेंट बाहर हो जाते हैं। ग्रीन जूसेस आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, इसके अंदर हमारा एश गार्ड भी आता है, घिया भी आता है, और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर क्या हम ऐड करते हैं और संजना, और हम क्या क्या ऐड करते हैं अपनी ग्रीन जूसेस के अंदर, खीरे भी ऐड करते हैं। इसके साथ साथ मैं लेटस लेके आती हूँ और केल भी और सेलरी भी लेके आती हूँ। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत लोकली मिलेगा, इंडिया में थोड़े से महंगे हैं, बट आप बाकी चीज़ों से अपना ग्रीन जूस बना के डेली बेसिस पे ले सकते हैं एंड उसकी वजह से आपको मिलेगा बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर, बहुत ही अच्छी ग्लॉसी स्किन एंड बिल्कुल अच्छे से फ्लैट बेली। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सोर्स पे, एंड थर्ड सोर्स हमारा कौन सा निकलता है, हमारा निकलता है सीड्स मिक्स। नाउ यहाँ पे मैं बात करती हूँ बहुत सारे सीड मिक्स की। यहाँ पे मेरे पास है पम्पकिन सीड, नेक्स्ट मेरे पास है सेसमे सीड, वाइट सेसमे, नेक्स्ट मेरे पास है चिया सीड्स, नेक्स्ट हमारे पास है सनफ्लावर सीड्स एंड अनदर चीज इज फ्लैक्स सीड्स। नाउ इन सारे सीड्स को दिखाती हूँ मैं आपको, फ्लैक्स सीड ये रहा, मैं तो लोकल लेके आती हूँ बहुत सारे थोक में एंड इसको हम स्टोर करके रखते हैं। नाउ पॉइंट इज, इन सारे सीड्स का एक एक चम्मच आप निकालो, अपनी कटोरी में भरो और उसको कभी भी खा लो मंचिंग के टाइमिंग पे, जब आपको लगता है कि यार मुझे बहुत सारी भूख लग रही है या मैं क्या खाऊं, चलो कुछ खाते हैं, जाके हम फ्रिज को ऐसे धाड़ धाड़ करके देखते हैं, देन ये सीड्स अपने पास रखो और सीड्स खाओ। सबसे पहली चीज़, इतना रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, सेकेंड इज़ बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स है, थर्ड वन इज़ एंटी ऑक्सीडेंट के पूरे सोर्सेज हैं बहुत अच्छे, इसकी वजह से आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, बाल, ग्लोइंग स्किन, फ्लैट बेली। फ्लैट बेली कैसे, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, फाइबर बहुत अच्छा है तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, थर्ड वन इज आपके वाटर रिटेंशन को भी बाहर करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी और मैजिकल टी की, जो मेरे पास अभी ख़त्म हो गई है, शतावरी। नाउ शतावरी के साथ एक फुल बाउल ऑफ प्लेटर ऑफ फ्रूट्स मिक्स करके दो तीन कलर का। फ्रूट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, एक तो नेचुरल शुगर जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो कि आप इन सब चीज़ों से जो हम क्रेव करते रहते हैं ना, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ खा ले, अगर टाइमली आप फ्रूट्स खा लोगे तो नेचुरल शुगर की जो क्रेविंग है, जो शुगर शुगर वाली क्रेविंग होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। शतावरी इस समय मैंने अपनी जितनी भी स्टडीज़ करी हैं उन सब में सबसे बेस्ट ड्रिंक मुझे शतावरी लगती है। रीज़न है वो मेल और फीमेल दोनों के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है, भूख को कंट्रोल करती है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती है, आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करती है एंड उसकी हेल्प से इक्वली माइंड को भी रिलैक्स करती है। उसकी हेल्प से क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग, मंचिंग, जंक खाने की क्रेविंग, स्ट्रेस में कुछ भी भंडा करने की क्रेविंग, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। सो शतावरी अगर दिन में आप एक गिलास, एक कप भी ले लेते हो ना, एक कप, उससे आपको इतना अच्छा यूरिनेशन पास होता है, आपका माइंड इतना काम होता है, आप फोकस कर पाते हो। शतावरी के साथ हमने लेने हैं फ्रूट्स का एक पूरा 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 प्लेट। लास्ट अब हम बात करते हैं, नाउ डिनर का ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लैट बेली करने के लिए और आपको लीन दिखने के लिए, पतला दिखने के लिए, या फिर आपको कहीं पे भी किसी ओकेजन पे जाना है एंड यू फील लाइक कि मैं अगले तीन दिन में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस में आऊँ, आप ना बहुत सारे वेजिटेबल के जूसेस ऐड करो अपनी डाइट में डिनर में, नहीं तो सूप ऐड करो। जैसे अब विंटर्स का सीज़न आ रहा है, सूप्स जो है गर्म गर्म सूप्स, वेजिटेबल सूप्स आप अपनी डाइट में ऐड करो, मेक श्योर दैट शुड बी विदाउट सॉल्ट ड्यूरिंग डिनर। सॉल्ट जो है वो एक दिन में बंदे को मोटा भी करता है, पतला भी करता है, उसका सॉल्ट का इंटेक का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टाइप की डाइट में। सो सॉल्ट जो है वो 7 बजे के बाद लाइक डिनर के टाइम पे हम नहीं लेंगे। बहुत सारे वेजिटेबल सूप्स की मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं, लाइक क्लियर सूप की रेसिपी है, टमाटो सूप है, पम्पकिन सूप है, एक सबसे अच्छा सूप मुझे यहाँ पे लगता है एप्पल एंड कोकोनट का सूप है, यम्मीस्ट सूप मुझे ऐसे लगता है, बहुत अच्छे अच्छे सूप्स हैं, इनमें से कोई भी सूप आप पिक करो 7 बजे तक एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के आप सूप्स बनाओ, दालों को डाल के सूप्स बनाओ, बट मेक श्योर कि उसके अंदर नमक नहीं डालना। सो ये सारे टॉप 5 फूड्स हैं जिसकी हेल्प से आपको मिलेगा फ्लैट बेली, आप कॉन्फिडेंस में आओगे, आप प्रेजेंटेबल होगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे जो मैं बोलूँगी, माइट भी ये चीज़ आपको हिट करेगी दिमाग को कि नहीं हिट करेगी, देखो करना आपने खुद ही है अपना वेट लॉस का जर्नी, करना आपने खुद है, आपके पास कोई भी तीसरा पर्सन नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए, आपको एकदम पुश करने के लिए। जो बंदे मेरे को ज्वाइन करते हैं उनके भी साथ मेरा साथ ये मैटर है, मैं 2 बार करूँगी, 3 बार करूँगी, 4th बार करूँगी, मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, मैं ख़त्म कर देती हूँ, मैं कहती हूँ बाहर जाओ, मतलब नहीं हो रहा तो फिर निकलो, तुम्हारे से कंट्रोल नहीं हो रहा। सारा कंट्रोलिंग गेम जो होता है वेट लॉस का यहाँ से होता है, यहाँ से। जब मैं बहुत मोटू थी
मैंने एक दिन में डिसाइड किया था कि मुझे वेट लॉस करना है व्हेन आई वाज लाइक 98 केजीज है ना, तो वो एक दिन की जो हिट बैक थी, जो ईगो वाली क्लैश थी, वो एक दिन में ही सुधर गई कि अगले दिन से भूख नहीं लगी. सो दिस इज़ इन योर गेम, कि यहाँ का गेम है आपको कितना भूख लगता है, आप कितना ओवर ईट करते हो, आप कितना जंक खाते हो, आप कितना मीठा खाते हो, आप कितनी अपनी बॉडी को स्पॉइल करते हो. 6 महीने तक आपको लगेगा कि यार खा ले, लेकिन 7th मंथ में आपको रुकना ही पड़ेगा. आप खुद ही टेक केयर करोगे अपनी बॉडी में. एक चीज़ ध्यान रखना, आईसीयू वार्ड में जब बॉडी अंदर जाती है, आप जाते हो, या ऑपरेशन थिएटर में आप अंदर जाते हो, आपके साथ कोई नहीं जाता जो कि आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आपको ओवर ईट कह रहे हो कि उसने मुझे स्ट्रेस दिया, मैंने ओवर ईट कर लिया. वो बंदा आपके साथ आईसीयू वार्ड के अंदर या फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपके साथ नहीं जाएगा. आप अकेले अपनी बॉडी से लड़ोगे. सो यहाँ पे फंडा है, कट इट शॉर्ट. आप खुद जिम्मेदार हो अपने शरीर को ख़राब करने के, आप बात करने के. So I hope this video is useful. So I'll see you soon. Take care, Ji. Bye bye.